नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का बिरसा न्यूज चैनल पर स्वागत है। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में नगर निकाय, नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में होड़ मची है। कभी भी नगर पंचायत या नगर निगम या नगर इकाई चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग कभी भी घोषणा तारीखों की घोषणा कर सकती है। इसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं मेदिनीनगर नगर निगम में। यहाँ पे हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं जिनका नाम है धनंजय कुमार त्रिपाठी जी। आइए हम इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका बिरसा न्यूज चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। आपने पहली बार चुनाव में आया है, तो चुनाव में आने का कारण क्या है? पहले लेट से क्यों आया, पहले क्यों नहीं आया? पहली बार 2018 में नगर निगम का चुनाव हुआ, उस समय यहाँ पार्टी बेसिस पर चुनाव हो रहा था। लोगों ने अपने अपने अपनी अपनी दावेदारी की, चुनाव लड़ा लोगों ने। लेकिन पाँच साल ख़त्म होने को आया नगर निगम का कार्यकाल, देखा कि पूरे शहर में सारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। शहर में न कहीं पूरे शहर को पानी मिल रहा है, न कहीं लाइट है, न कहीं नली है, न कहीं रोड है। और इसके अलावा शहर के कई मुद्दे हैं जो खास मुद्दे हैं, और इन्हीं मुद्दों को ठीक करने के लिए मैं अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर रहा हूं। जनता ने ही मुझे कहा है कि आप लड़िए और मैं इसके लिए तैयार हूं। आपका रणनीति क्या रहेगा, यहाँ के जनता को लेकर आपकी रणनीति क्या है? जनता की रणनीति कुछ नहीं, जनता के काम करिए आप। हम जनता के काम करने के लिए आ रहे हैं। शहर की व्यवस्था चरमराई हुई है, मैंने कोई भी व्यवस्था नहीं है जिस पर आप कंक्रीट कह सकते हैं कि हम यहाँ के जनप्रतिनिधि ने पाँच सालों में कुछ कार्य किया है। आप जब क्षेत्र में घूम रहे होंगे तो जनता आपको क्या क्या समस्या बता रही है? समस्या ही समस्या है। पहली बात कि शहर का सबसे पुराना इशू है खास महल का इशू है। पूरा शहर इससे व्यथित है, खास महल से, लीज नवीनीकरण से, होल्डिंग टैक्स से। शहर में, पूरे शहर को पानी नहीं मिल रहा है, शहर में बिजली नहीं मिल रही है, कहीं खंभे के तार गड़े हुए हैं तो लाइट नहीं है। पाँच साल बीतने के बाद भी शहर में कहीं खंभे पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, कहीं नाली नहीं है। बरसात के दिनों में घुटने भर पानी जमा हो जाता है, लोग कपड़े उठाकर निकलने को विवश हैं। तो यहाँ पर समस्या ही समस्या है। मान लीजिए कि यहाँ पर नगर निगम में बहुत सारी समस्या है, तो आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आ रहे हैं, क्या क्या मुद्दा है आपके पास? एक मुद्दा हो तो बताऊँ, यहाँ केवल मुद्दा ही मुद्दा है। और काम करने के लिए तो बहुत सारे काम हैं जो सारे काम किए जाएंगे, जैसे कि हमने बताया अभी सारे मुद्दे, ये सारे मुद्दे ही मुख्य हैं। जो अभी अध्यक्ष पद पर हैं उनकी कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? अगर आप 10 नंबर का रखें तो इनको 0 मार्क्स मिलेगा, इनका कार्यकाल यही है। तो मतलब इनका विकास 0 रहा है पूरे मेदिनीनगर नगर निगम में? आप हमसे पूछिएगा तो आप कहिएगा कि आप प्रत्याशी हैं इसलिए बोल रहे हैं, दूसरे की नाकामी दिखा रहे हैं। आप जनता में चले जाइए, जनता आपको उनकी पोल खोल कर रख देगी। जो मुझे जनता बता रही है, आप लोग अभी जनता में उतरेंगे, कहीं क्षेत्र में निकल जाइए। मैं सुबह शाम दोनों समय दिन भर भ्रमण कर रहा हूँ 3500 वार्ड का। चलिए मेरे साथ, आपको जनता बता देगी कि इनका कार्यकाल कैसा रहा है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप जीतने के बाद सर्वप्रथम कौन सा काम करेंगे? ना पहला काम लीज नवीनीकरण और खास महल होल्डिंग टैक्स, ये तीनों के लिए सबसे पहले मैं काम को प्रारंभ करूंगा, करने के लिए प्रयास करूंगा कि जितना जल्दी हो सके। दूसरा काम, शहर को पानी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत शहर को पानी का है और शहर को रोड और नाली का है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे जीते हैं तो सबसे ऐतिहासिक काम कौन सा होगा पाँच साल के आपके कार्यकाल में, जो पूरे पलामू ही नहीं पूरे राज्य में मेदिनीनगर नगर निगम का नाम हो, ऐसा कोई काम? पूरे शहर को होल्डिंग टैक्स, खास महल और लीज नवीनीकरण, ये तीनों काम हमने कर दिया तो मैं समझूंगा कि आज़ादी से लेकर आज तक किसी ने नहीं किया, वो सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्य होगा। हमने लगातार एक नंबर वार्ड में गया, सिंगरा में गया, और कई जो नए नए जो जुड़े हुए हैं नगर निगम से, वहाँ पे आज भी मतलब मूलभूत समस्या है, वो आज भी समस्या बनी ही रह रही है। लेकिन वहाँ के लोगों से होल्डिंग टैक्स और जो ज़मीन जो खेती के लिए है उनके लिए उनको पैसा लिया जा रहा है नगर निगम के द्वारा, तो इस पर आपका क्या कहना है? भाई ये तो मैं हर वार्ड में घूम के कह रहा हूँ कि सुविधा नहीं तो टैक्स नहीं, वो सब खेतीहर लोग हैं, वहाँ पर खेती करते हैं। तो कहने से नहीं ना होगा, जनता तो आप कह रहे हैं लेकिन जनता तो फिर भी टैक्स दे ही ना रही है। अब तो ये अंग्रेज, ये सरकारिया निगम का हुक्म है तो देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो उनसे फाइन लेंगे, इसलिए मजबूरन वो रो करके भीख मांग करके जमीन बेच करके और टैक्स दे रहे हैं, उनको देना पड़ रहा है। इसीलिए तो मैं आया हूँ कि ये सब रोक करूँगा मैं।
आप एक नए प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पे उभर रहे हैं, तो आपको मान लीजिए आएंगे साल दो साल समझने में लगेगा, तब तक तो जनता के टाइम तो खत्म हो जाएगी। जी नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं 14 साल तक नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में मैनेजर के पद पर हमने कार्य किया है, मेरे पास उसका बहुत अच्छा अनुभव है, और मैं जो नगर निगम मेदिनीनगर नगर निगम को दे पाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि किसी और प्रत्याशी में वो उसका अनुभव है कि वो दे पाएंगे। आप देखिएगा जब समय आएगा, आप यहाँ की जनता ने मुझे वो टाइम समय दे दिया, फिर मैं बताऊँगा कि कैसा डाल्टेंगे शहर दिखेगा, मेरे पास उसका बखूबी अनुभव है। नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है, चाहे आप प्रधानमंत्री आवास को ले लीजिए, चाहे किसी भी योजना को धरातल पर उतारने के लिए आपको देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको गर्म करना पड़ेगा, तो आप अगर जीतते हैं तो भ्रष्टाचार पर कैसे नकल कसिएगा? जैसे ही हुक्मरान बदलेंगे सारा अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा, अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। आज भी लोग जो छोटी छोटी समस्या होती है जैसे नली गली रोड, आज भी बताइए लोग 75 वर्ष आज़ादी का हो गया, अमृत महोत्सव मना रहा है, और जनता आज भी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर मुहताज है, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो आपको 5 साल जो निगम के कमिश्नर और निगम के मेयर, ये आपको जवाब देंगे कि 5 साल में आपने ये काम क्यों नहीं किया, जो छोटी मोटी चीज़ें थी, 400-500 करोड़ रुपये आए, वो पैसे कहाँ गए, वो पैसे किस मद में खर्च हुए, वो तो बताएंगे वो आपको कि आपने क्यों नहीं किया, ये तो जवाब वो देंगी। मेदिनीनगर के जितने भी लोग हैं आप उनसे क्या कहेंगे? एक बार मौका दें, शहर को चमका के छोड़ देंगे, इशू छोड़ेंगे नहीं कि अगले बार किसी को कुछ कहने का मौका मिलेगा। और कोई विशेष अपील यहाँ के जनता से? स्वच्छ लोगों को चुने, साफ लोगों को चुने जो नगर निगम को ठीक कर सकता है, एक शानदार नगर निगम दे सकता है, दिल्ली की तरह नगर निगम दे सकता है, उसको चुने। चलिए, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आप देख रहे थे, हम पहुँचे थे पलामू के एकमात्र मेदिनीनगर नगर निगम में, जहाँ पे हमारे साथ प्रत्याशी धनंजय कुमार त्रिपाठी जी थे। तो आप लगातार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, और भी हम आपके प्रत्याशियों से उस सवालों के जवाब दिलाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन अंशु कुमार के साथ प्रिंस कुमार सिंह, मेदिनीनगर।